भोपाल क्राइम ब्रांच ने हत्या के प्रयास का 10,000 का इनामी बदमाश को भोपाल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन जिला रीवा में विगत 7 महीने से फरार था, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। रीवा पुलिस को भोपाल में छुपे होने का इनपुट मिला था। रीवा पुलिस ने भोपाल क्राइम ब्रांच की मदद से देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ लकी परिहार के बारे में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर लोकेशन ट्रेस की थी। इधर क्राइम ब्रांच के ACP मुख्तार कुरैशी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार बदमाशों पर निगरानी रख रही है। वहीं प्रदेश और अन्य प्रदेशों से फरार आरोपियों की भी तलाश कर रही है। इसी कड़ी में लक्की को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि रीवा पुलिस आरोपी से उससे और फरार साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। भोपाल से संवाददाता आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच भोपाल को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रीवा का एक अपराधी कुलदीप उर्फ लक्की पिता योगेंद्र सिंह परिहार धारा 307 के एक गंभीर मामले में विगत 7 माह से फरार चल रहा है और वो भोपाल आने वाला है। इस सूचना के संबंध में क्राइम ब्रांच द्वारा कार्रवाई करते हुए इंफॉर्मेशन के आधार पर DCP श्री अखिल पटेल सर द्वारा जो है प्लानिंग की गई और टीमें बनाई गई। टीमें बनाने के पश्चात जो है मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर रेड की गई और वहां से उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए रीवा पुलिस द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और इस आरोपी से इसके उस घटना में शामिल अन्य साथियों अपराधियों के बारे में तथा अन्य विभिन्न अपराधों के बारे में इससे पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में क्राइम ब्रांच भोपाल लगातार रीवा पुलिस के संपर्क में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।